आदर्श विदेश नीति, विदेश नीति को आदर्श विदेश नीति व्यक्तित्व बोला था, बनाने में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या पढ़ लिखा, पूरा पढ़ो, पढ़ना बेटा प्रवीण। के आदर्श व्यक्तित्व ने विदेश नीति को बनाने आदर्श बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्र भारत में विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में, विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में पंडित नेहरू के समक्ष, पंडित नेहरू के समक्ष के परिप्रेक्ष्य में, पंडित नेहरू के समक्ष सर्वप्रथम चुनौती शीतकालीन, सॉरी, शीत युद्धकालीन विश्व राजनैतिक व्यवस्था, शीत युद्धकालीन विश्व राजनैतिक व्यवस्था के दौरान भारत के हितों की रक्षा करना था। इस उद्देश्य के लिए पंडित नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया गया, नहीं, गुट निरपेक्षता की नीति का निर्माण किया गया, गुट निरपेक्षता की नीति का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से तीन प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करना था, तीन प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करना था। डन। और तीन प्रमुख उद्देश्य कौन से थे? ये तीन, ठीक है, लिख लो। क्या हो गया, छोड़ गया? अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तुम लोगों को अपनी लिखने की, है ना? पहला शीत युद्ध को का त्याग, दूसरा स्वतंत्र विदेश नीति, और तीसरा परिस्थिति के अनुरूप निर्णय। परिस्थिति के अनुरूप निर्णय। डन। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाए। गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करने के बाद, ठीक है, पंडित नेहरू यहीं पर नहीं रुके बेटा। पंडित नेहरू ने ये कोशिश करना शुरू कर दिया कि वह इस गुट निरपेक्षता को, शीत युद्ध को कम करने या शीत युद्ध को समाप्त करने के एक तरीके के रूप में, माध्यम के रूप में प्रयोग करें। और इसीलिए पंडित नेहरू ने अफ्रीकी देशों और एशियाई देशों को, ठीक है, इस बात के लिए मनाना शुरू कर दिया कि वह गुट निरपेक्षता अपनाए। क्यों? क्योंकि ये 1947 के बाद विश्व में कई देश आजाद हो रहे थे जो पहले उपनिवेश थे। अब वो जो कई देश आजाद हो रहे थे वो मुख्य रूप से या तो अफ्रीका के हैं या फिर एशिया के, ठीक
ठीक है। और ये नए देशों के पीछे या इन नए देशों के समक्ष फिर से वही दुविधा जो भारत में थी, पूंजीवाद में शामिल हो या साम्यवाद में, और पंडित नेहरू द्वारा शुरू कर दिया गया एक नई विचारधारा, गुट निरपेक्षता। तो पंडित नेहरू ने विश्व के जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्हें गुट निरपेक्षता में शामिल होने के लिए 1950 में एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन बुलाया, कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, मतलब वे देश जो नए स्वतंत्र हुए हैं अफ्रीका से या एशिया से, उन्हें भारत बुलाया गया। और भारत बुलाने के माध्यम से यह कहा गया कि आप गुट निरपेक्षता का पालन करें। ठीक है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि एक आम सहमति निर्मित हो गुट निरपेक्षता के लिए, जिस पर सहमति बनी 1955 में जाकर, कहां पर? बांगडुंग में, जो कि इंडोनेशिया में है, कि हां गुट निरपेक्षता का पालन किया जाना चाहिए, राइट। और यहां पर पंडित नेहरू को दो प्रमुख व्यक्तित्व का समर्थन प्राप्त हुआ। एक थे अब्दुल गमाल नासिर और दूसरे थे जोसेफ ब्रॉज टीटो, जिन्हें मार्शल टीटो भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। सो 1950 में एफ्रोएशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया दिल्ली में। कोशिश की गई कि बाकी देशों को भी कहा जाए कि वे भी गुट निरपेक्षता में शामिल हो, ठीक है, बट संभव नहीं हो पाया 1950 में ही। बट नेहरू की कोशिशें कम नहीं हुई, नेहरू सम्मेलन आयोजित करवाते गए। 1955 में जाकर बांगडुंग में जो सम्मेलन हुआ, वहां सहमति बन गई कि हाँ ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब नेहरू को दो लोगों का साथ मिल गया, एक नासिर साहब का और एक टीटो साहब का। नासिर साहब जो उस समय के मिस्र के राष्ट्रपति रहे, और मार्शल टीटो उस समय के युगोस्लाविया के जनरल थे। ठीक है, आज की डेट में युगोस्लाविया एक छोटा सा देश है, बट उस समय युगोस्लाविया एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, जिसमें यहां पे 6 देश शामिल थे। ठीक है, एटलस तो होगी ना तुम लोगों के पास, ओपन करके रख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, सर्बिया, साराजेवो, मोंटेनिग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, ये वो क्षेत्र थे जो पहले उस समय युगोस्लाविया में थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन देशों का समर्थन मिलना भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। और इसके बाद अंततः 1961 में जाकर गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आ गया, जब इसका पहला सम्मेलन आयोजित करवाया गया, कहां पर? बेलग्रेड में। ठीक है, सो 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित करवाया गया, कहां पर? बेलग्रेड, जो उस समय के युगोस्लाविया की राजधानी थी, आज ये सर्बिया की राजधानी है, राइट। इस सम्मेलन में जो देश शामिल हुए थे वो थे 25,
ठीक है, 25 देश इस बैठक में शामिल हुए और यहां पर गुट निरपेक्ष के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन किस लक्ष्य पर आधारित है। अगली बात समझ में? और इन लक्ष्यों को जो निर्धारित किया गया वो कौन से थे? पहला, किसी भी महाशक्ति के साथ सैन्य समझौता नहीं किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस हो। दूसरी चीज, किसी भी महाशक्ति को अपनी जमीन शीत युद्ध के लिए नहीं दी जाएगी, ठीक है। सो पहला क्या, किसी भी महाशक्ति के साथ सैन्य समझौता नहीं करना है, किसी भी महाशक्ति को अपनी जमीन नहीं देना है शीत युद्ध के लिए, फिर चाहे वो तुमसे लड़ रहा हो या ना लड़ रहा हो, चाहे वो तुम्हारे दुश्मन से क्यों ना लड़ रहा हो, बट उसे शीत युद्ध के लिए अपनी जमीन नहीं देता है, ठीक है। तीसरा, प्रत्येक देश अपने लिए स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगा, जो सिर्फ भारत के लिए था अभी तक। अब क्या निर्धारित कर दिया गुट निरपेक्ष आंदोलन से, कि विश्व का प्रत्येक देश अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाएगा, वो महाशक्तियों से प्रेरित नहीं होगी। उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किया गया था वो था निशस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण, राइट। इस समय तक आते आते बेटा 1940 के बाद, जब मैंने कल बताया था कि अमेरिका ने आणविक हथियार विकसित कर लिया था और उसका प्रयोग भी कर दिया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो तुम्हें क्या लगता है, अगर आणविक शक्ति अमेरिका ने बनाई है, ठीक है, और विश्व दो गुटों में बटा हुआ है, तो क्या रूस शांत बैठेगा? नहीं, रूस आणविक शक्ति का निर्माण करेगा, और रूस के निर्माण करने के बाद क्या बाकी देश शांत रहेंगे? नहीं, और एक हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी। उस हथियारों की दौड़ में गुट निरपेक्षता क्या कह रहा है कि निशस्त्रीकरण करना है, विश्व से हथियार कम करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा हथियार होंगे युद्ध का खतरा उतना ही ज्यादा होगा, तो बेहतर क्या है, हथियार कम से कम किए जाए, ठीक है। पांचवा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था गुट निरपेक्षता के लिए वो ये था कि रंग भेद एवं नस्ल भेद को समाप्त किया जाए। तो गुट निरपेक्षता के ये पांच महत्वपूर्ण सिद्धांत या उद्देश्य निर्धारित किए गए, और कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि ये उद्देश्य शीत युद्ध के बिल्कुल विपरीत है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि शीत युद्ध जैसी कोई अवधारणा बसने भी, ठीक है। तो पहले के दो, तीन शीत युद्ध के लिए, चौथा और पांचवा विश्व शांति और समानता स्थापित करने के लिए, ठीक है। और ये विश्व को किसकी देन है? भारत की, पंडित नेहरू की, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, भारत ने शुरुआत से ही मुख्य रूप से पंडित नेहरू के कार्यकाल के दौरान एक विदेश नीति के मामले में एक वैश्विक दृष्टिकोण अपनाया, भारत विश्व में अपनी भूमिका स्थापित करने की कोशिश की गुट निरपेक्षता के माध्यम से, ठीक है। मतलब पंडित नेहरू का जो परिदृश्य रहा है, जो दृष्टिकोण रहा है, भारत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का है, और उस वैश्विक दृष्टिकोण में भी जो अवधारणा स्थापित की गई है, क्या ये कहीं से भी यथार्थवादी लग रही है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ
पंडित नेहरू की जो विदेश नीति रही है वो आदर्शात्मक रही है। ये तो सिर्फ बेटा एक पहलू बताया अभी मैंने पंडित नेहरू का, अभी और भी चीजें हैं, राइट। सो पहला पॉइंट समझ में आ गया, गुट निरपेक्षता जो स्वतंत्र भारत में पंडित नेहरू का प्रथम योगदान है। इसके बाद जो दूसरा कार्य जो पंडित नेहरू के कार्यकाल के दौरान हमें देखने को मिलता है वो है भारत के पाकिस्तान के प्रति संबंध, जो सबसे बड़ी चुनौती भी रही है पंडित नेहरू की, और ये भी कहा जाए कि पंडित नेहरू के लिए सबसे बड़ी आलोचना का भी विषय रहा है पंडित नेहरू का पाकिस्तान के प्रति विदेश नीति, राइट। अब उस समय की अगर हम बात करें 1947 की, ठीक है, तो भारत आजाद होने के साथ साथ विभाजित भी हुआ था, दो देशों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। और इस भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? रेडक्लिफ भाई साहब के द्वारा, ठीक है। इन रेडक्लिफ भाई साहब को जाने की थोड़ी जल्दी थी वापस, तो इन्होंने क्या किया, भारत और पाकिस्तान की सीमा का जो सीमांकन किया गया वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए नहीं किया। परिणाम ये निकला कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद निर्मित हो गए। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये था कि जब भारत और पाकिस्तान विभाजित हुए तो भारत में जो रियासतें थी, जो देसी रियासतें थी, जो राजे रजवाड़े थे, उन्हें ये विकल्प दिया गया कि वो या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे, ठीक है। ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ सबसे बड़ी चुनौती आई, और वो चुनौती क्या आई कि इन रियासतों को भारत में किस तरीके से शामिल किया जाए। तो भारत का एकीकरण कौन देख रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जूनागढ़ को भारत में शामिल करवाया गया जनमत संग्रह करवा के, ठीक है। हैदराबाद को शामिल करवाया गया सैन्य कार्रवाई से, मणिपुर को शामिल करवाया गया वहां के राजा को प्रभावित करके, वहां की जनता को वहीं के राजा के खिलाफ भड़काकर, ठीक है। क्योंकि सामदाम दंडभेद सरदार वल्लभ भाई पटेल की यही एक उक्ति थी बेटा कि भारत को एकीकृत करना है फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बट वहीं पर जब बात आई जम्मू कश्मीर की, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर संभाल रहे थे पंडित नेहरू। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था पंडित नेहरू के दृष्टिकोण से वो एकीकरण का मुद्दा नहीं था, वो भारत की विदेश नीति का मुद्दा था। और पंडित नेहरू उस समय भारत के विदेश मंत्री रहे, इसीलिए जम्मू कश्मीर किसके पास आया? पंडित नेहरू के पास। उसके पीछे दो कारण है। पहला, जहां तक जूनागढ़ की बात थी, जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, तो मुद्दा किसका था? एकीकरण का। हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, तो वो मुद्दा भी एकीकरण का था। बट जहां तक बात थी जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता था, वो भारत में नहीं शामिल होना चाह रहा था, ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था। तो जब कोई ऐसा क्षेत्र जो ना तो भारत में शामिल होना चाहता है ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, वो क्या कहलाएगा? एक स्वतंत्र क्षेत्र। और इस स्वतंत्र क्षेत्र के लिए इससे जब बातचीत होगी तो एकीकरण के लिए होगी या विदेश नीति के रूप में होगी? एकीकरण के लिए क्यों होगी बेटा? स्वतंत्र है ना। अगर पाकिस्तान में जाने की भी बात होती तो बात कुछ और होती, बात फिर समस्या वो एकीकरण की होती। बट यहां तो जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहना चाह रहा है, तो ये विदेश नीति की बात हो गई। तो यहां पंडित नेहरू आएंगे क्योंकि विदेश मंत्री है। और जम्मू कश्मीर के जो राजा थे कौन? हरी सिंह, ठीक है, हिंदू राजा, प्रजा प्रमुखता में मुस्लिम थे, ठीक है।
बट राजा हरि सिंह चाहते थे कि जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहे, बट पाकिस्तान नहीं चाहता था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण बिना कश्मीर के अधूरा है। ये जो शब्द है, ठीक है, ये हो गया बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया सिंध, ये हो गया कश्मीर, पंजाब, ठीक है। तो बिना कश्मीर के पाकिस्तान संभव ही नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान का हमेशा से ये मानना रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान में आता है, शब्द में आ रहा है ना कश्मीर, तो पाकिस्तान का हो गया, ठीक है। राजा हरि सिंह चाह रहे हैं कि वो स्वतंत्र रहे, और भारत ने उनकी बात मान ली कि ठीक है, तुम्हें स्वतंत्र रहना है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं, राइट। बट पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान ने अपने लश्कर के माध्यम से कश्मीर में घुसपैठ करनी शुरू कर दी। लश्कर पाकिस्तान की सेना नहीं है बेटा, समझना, लश्कर क्या है, आतंकवादी आज है, उस समय नहीं। उस समय लश्कर कहा गया उन कबीलाई लोगों को जिनके माध्यम से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार द्वारा कश्मीर में घुसपैठ करवाई गई कि तुम लोग घुसपैठ करो, राइट। और बाद में पाकिस्तान ने यह भी माना कि इस लश्कर में पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी, ठीक है। तो जब यह लश्कर कश्मीर में एंटर कर रहा था, जम्मू कश्मीर में, शुरुआत में तो राजा हरि सिंह बड़े ही निश्चिंत थे कि आएंगे तो देख लेंगे, मेरे पास भी तो सेना है, ये तो कबीलाई लोग है, सेना थोड़ी ना है, ठीक है। बट जब खबरें पहुंची है कि लश्कर क्या करते हुए आ रहा है, जिस क्षेत्र पे लश्कर कब्जा कर रहा है, उस क्षेत्र में जो नरसंहार हो रहा है, जो अपराध हो रहे हैं, पूरा के पूरे लोगों को का कत्लेआम मचाया जा रहा है, उस स्थिति में राजा हरि सिंह को अब हुई चिंता कि अब क्या, ठीक है। और उस स्थिति में वो पहुंचे भारत के पास कि मदद की जाए। पंडित नेहरू द्वारा साफ कह दिया गया कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य है, भारत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा आंतरिक मसला है, और भारत गैर हस्तक्षेप की नीति अपना रहा है। भारत कैसे तुम्हारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, हाँ, बट अगर तुम विलय पत्र पे हस्ताक्षर करो तो फिर शायद हम साथ दे दे, ठीक है। सो उस परिस्थिति में राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। और जब हस्ताक्षर किए गए तो पंडित नेहरू फिर आदर्शवादी हमारे, उन्होंने कहा कि ठीक है, विशिष्ट परिस्थितियों में तुम भारत में शामिल हो रहे हो, तो भारत जम्मू कश्मीर के स्वतंत्र अस्तित्व को बचाए रखेगा, और भारत मुख्य रूप से विदेश मामले, रक्षा और संचार, इन तीन क्षेत्र पे भारत अपना कब्जा करेगा, आधिपत्य करेगा, और बाकी सारे मामले जम्मू कश्मीर को दिए जाएंगे। मतलब जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता बरकरार रखी जाएगी, ठीक है। और दूसरी गलती पंडित नेहरू द्वारा, जब विलय पत्र हस्ताक्षर हो रहा था तो उस विलय पत्र के दौरान पंडित नेहरू ने फिर कह दिया कि भविष्य में जम्मू कश्मीर के साथ भारत के संबंध किस तरह के होंगे, इसके लिए जनमत संग्रह करवाया जाएगा। खत्म किस्सा, ठीक है। जम्मू कश्मीर भारत में शामिल, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा स्थापित हो गई, और पंडित नेहरू इस मुद्दे को लेकर पहुंच गए संयुक्त राष्ट्र, राइट। फिर पंडित नेहरू को लगा कि संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे का हल निकाल लिया जाएगा, क्यों,
क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का गठन क्यों किया गया है? विश्व को फिर से युद्ध से बचाने के लिए। और अवधारणा क्या थी संयुक्त राष्ट्र की? सामूहिक सुरक्षा, जो हमने कल पढ़ा। तो यदि कोई देश किसी अन्य देश के अस्तित्व पर हमला करने की कोशिश करेगा तो सारे देश मिलके उस देश को रोकेंगे, यही है सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा। तो पंडित नेहरू जो संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है बेटा, ठीक है। तो उस स्थिति में पंडित नेहरू इस मामले को लेकर पहुंच गए संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने पहले तो युद्ध विराम घोषित करवाया, और युद्ध विराम घोषित होने के बाद नियंत्रण रेखा निर्धारित हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, ठीक है, जो अभी भारत के और पाकिस्तान के बीच सीमा का काम कर रही है, राइट। दूसरी चीज, संयुक्त राष्ट्र में एक संकल्प पारित किया गया, किस पर? जम्मू कश्मीर पर, ठीक है। पंडित नेहरू को यह विश्वास था कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो बड़ी ही सरलता के साथ सुलझा लिया जाएगा संयुक्त राष्ट्र से। बट पंडित नेहरू को इस बात की कतई जानकारी नहीं थी, या ये कह लो कि कतई अंदेशा नहीं था कि इस मुद्दे को अमेरिका शीत युद्ध का मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। तो जब हम पहुंचे, अमेरिका ने भारत से साफ साफ शब्दों में कहा कि आप पूंजीवादी गुट में शामिल हो जाइए, अमेरिका जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर भारत का साथ देगा। और हम पहले से क्या अपना चुके बेटा? गुट निरपेक्ष। तो भारत क्या करेगा? मना करेगा कि हम तो गुट निरपेक्ष हैं, हम ऐसे किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। अमेरिका वही काम क्या करेगा? पाकिस्तान को बोलेगा कि आप पूंजीवादी गुट में शामिल हो जाइए, हम भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आपका साथ देंगे। पाकिस्तान रेडी हो जाएगा, यस बोलो कहां साइन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या होगा, जैसे ही मुद्दा शीत संयुक्त राष्ट्र में पहुंचेगा, चर्चा के लिए आएगा, अमेरिका किसकी तरफ हो जाएगा? पाकिस्तान की तरफ। और जैसे ही अमेरिका पाकिस्तान की तरफ हुआ, भारत की तरफ आके कौन बैठ जाएगा? रूस। दोस्ती शुरू हो गई बेटा, हम नहीं गए बट रूस परिस्थितिवश भारत का दोस्त बन गया। बट जब संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव संकल्प लाया गया तो इस संकल्प में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई, ठीक है, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें तुम लोगों को बताई जाती है वो ये है कि भारत जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाएगा ताकि जम्मू कश्मीर का भविष्य निर्धारित हो सके, यही कहा जाता है। पंडित नेहरू ने वादा किया था संयुक्त राष्ट्र में कि हम जनमत संग्रह कराएंगे, और इसी बात पे पंडित नेहरू की आलोचना की जाती है, ठीक है, कि जब हमारा है तो फिर जनमत संग्रह क्यों। बट मैंने क्या लिखा है, ये वो तीसरा पॉइंट था बेटा उस संकल्प का। पहला और दूसरा पॉइंट किसी को बताया ही नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि उससे फायदा नहीं होगा ना। पहला पॉइंट ये था कि पाकिस्तान पूरे के पूरे अधिकृत क्षेत्र को खाली करेगा, जितना उसने कब्जा जमाया है पाकिस्तान की सेना उस पूरे के पूरे क्षेत्र से वापस जाएगी, ठीक है। ये पहला प्रावधान था उस संकल्प का, ठीक है। दूसरा प्रावधान ये था कि भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र के निगरानी में पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करेगी, और उसके बाद जनमत संग्रह करवाया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सही भी है,
ठीक है, बट पंडित नेहरू का संयुक्त राष्ट्र पे इतना अटूट विश्वास भारत के लिए हानिकारक हो गया।